जी अब लगभग चुनाव कम समय बचा है, आपका डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गया है, रोड पर भी जा रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए क्या है आपका एजेंडा? क्योंकि बलिया पूरी तरह से नगर विधानसभा देखा जाए तो यहाँ आमने सामने लड़ाई हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता सिर्फ चुनाव में नहीं, हर समय जनता के साथ जुड़े रहने का काम किए हैं। हमारे बगल में संजय उपाध्याय जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब हैं, हमारे बगल में अजय यादव हैं, मिठाई लाल भारती जी हैं, अभी संग्राम सिंह यादव आए हैं जो खपरा से उम्मीदवार। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में रहने वाला आदमी को डोर टू डोर कंप्लेन करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। डोर टू डोर से वो करने की कोशिश करेगा जो कभी यहाँ आया ही नहीं, और वो भी क्या कर पाएगा 15 दिन के अंदर? जो 15 साल तक बलिया में नहीं आया वो 15 दिनों बलिया में क्या संपर्क करेगा? हम लोगों के लिए तो जनता सड़क पर खड़ी नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि जहाँ भाजपा वाले 150 गाड़ी बाहर से लेकर के आए हैं, घूम रहे हैं, बाहर के आदमी, बाहर की गाड़ी, और हमारे पास बलिया की गाड़ी और बलिया की जनता सड़क देख रहे हैं कि मचमचा रही है। गाँव में घुसने पर 1500 आदमी सड़क पर निकल के आते हैं। यह साबित करता है कि समाजवादी पार्टी बलिया विधानसभा में बहुमत से जीतेगी और भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जो दया शंकर हैं, उनका कहना है कि कई बार यहाँ के मंत्री जी को देख लिए, कई बार बसपा के नेताओं को देख लिए, फिर मेरी बारी है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो बलिया को चौमुखी विकास होगा, ड्रामा सेंटर खुल जाएगा, बॉम्बे भी बना दूंगा। ये भाजपा के बलिया के उम्मीदवार और बलिया के सांसद भरत सिंह जी थे तब, अभिनंदन सिंह मस्त हो गया तब, और एक नीरज शेखर जी भी आ गए हैं इस समय, वो भी फिफिया रहे हैं। ये 5 साल यहाँ भाजपा की सरकार थी, 3 बार तो जोगी भी बलिया आए थे, ना यहाँ का ट्रामा सेंटर खुला, ना अस्पताल में डॉक्टर है, ना नर्स है, ना फार्मासिस्ट है, ना दवाई है। तो हम नहीं मान के चलते हैं कि बार बार विश्वास करना पड़ेगा उस पर जिसने बलिया का विकास किया। नारद ने बलिया का विकास किया, इसलिए जनता बार बार विश्वास करेगी। हमको देख नहीं लिया है, हमको देखती रहेगी जनता, और ये बलिया आए हैं और घूम फिर के चले जाएंगे, ये बलिया न रहेंगे और न बलिया से कोई सरोकार। मंत्री जी, आप ही के अध्यक्ष का कहना है, कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष उनका कहना है कि ये दगे हुए कारतूस हैं, अब कुछ नहीं होगा, मेरे प्रत्याशी का जो प्रत्याशी है उनकी जीत पक्की है, ये दगे हुए। ये बतलाइए, निर्दल लड़ रहा है उससे पूछेगा तो क्या कहेगा कि हम हार रहे हैं? कि कौन बात आप पूछ रहे हैं भाई, इतने बड़े पत्रकार आप हैं, ये सवाल मत कीजिए। यह सवाल कीजिए कि एक तरफ विकास के सवाल पर बलिया में चुनाव हो रहा है, 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी इसलिए जीत रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी 12 से 17 में थे तो उत्तर प्रदेश का खजाना बलिया की तरफ था, और जब 17 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में बलिया में खजाना की बात छोड़ दीजिए, कौड़ी भी नहीं आई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग दवाई के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में भाई को बधाई। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए संग्राम सिंह से पूछिए।